भाई सारे भाइयों ने और मेरे भी जितने बड़े बुजुर्ग हैं सारे राम राम भाई। आज आप भाई थोड़ी देर बात करेंगे जो अपने जंतर मंतर पे पहलवान भाई भाई भी बैठे भाई बाण भी बैठी है सारी उस मामले में थोड़ी देर करेंगे बात। बात तो क्या करनी है भाई, बस दुख ही हो रहे हैं भाई सारे जितने पहलवान अपने भाई उड़े बैठे हैं बाण है रोन लाग रही है भाई कोई सुननी है नहीं उनकी। क्यों दुखी हो रही है भाई वे, अरे क्यों वे भाई दुखी हो रहे हैं पहलवान भाई जो उड़े बैठे हैं ऑलमोस्ट जितने भी सारे पहलवान भाई और बाण बैठे सारे इंटरनेशनल हैं भाई देश ने अपने भारत देश ने क्या पता कितने बार रिप्रेजेंट कर रही है अपने देश की शान आन बान है भाई। क्यों दुखी हो रही है भाई, दुखी करनिया कौन है सब ने भी रहा है वो तो बताने की जरूरत नहीं है कौन दुखी कर रहा है। तो भाई ये लगा लो कि जितने भी अपने पहलवान भाई और बाण दुखी हो रही हैं सारे इंटरनेशनल हैं और ये लगा लो जितनी अचीवमेंट उन पहलवानी में चाहिए थी ऑलमोस्ट वे ले रहे हैं दुखी गिनते ही हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं भाई फ्यूचर का ही कुश्ती का फ्यूचर वे देख रहे हैं कि कुश्ती का फ्यूचर जो संघर्ष से देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी गेम के लिए लेकिन जो उनने फेस करया है वे ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर उस चीज ने फेस ना करे वे दुखी भी इससे मामले ने लेकर हो रहे हैं भाई ना। तो भाई अपने सारे बढ़िया नौकरी लाग रहे हैं अपने बढ़िया पहलवानी ने जो पहलवानी ने कुश्ती ने उनसे दिया है वे अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके हैं लेकिन दुखी हो रहे हैं अपने फ्यूचर दुखी हो रहे हैं भाई कुश्ती ने ले गए कि कुश्ती का फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो और जो उनने फेस कराया वे चीज़ फ्यूचर फेस नहीं कर पाए इस चीज़ ने लेकर भी दुखी हो रहे हैं। तो भाई आज साथ दे उनका, आज अगर तुम जो भी फ्यूचर उसका साथ देगा तो भाई आने वाला टाइम कुश्ती जगत के लिए बहुत अच्छा होगा। आज जो अगर वे दुखी हो रहे हैं कल ना तुमने दुखी होना पड़ेगा भाई। तो इस तरह अच्छा तो ये भाई जितना संघर्ष भी कर रहे हैं थोड़ा साथ है तुम भी दे दो के बता थोड़े ही साथ है थारा है भाई जो भी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं वह पूरी हो जा। अरे भाई इसी तो बात है नहीं अब कि सारा ही कुश्ती जगत बैठा तो उस चीज में कुछ ना कुछ कुछ तो ऐसी बात है कि ना सरकार खुल के इनका सपोर्ट कर पा रही है कि हमें टाइम पे टाइम ये कह देते कि अब ये कर लो ये कर दो। पिछली बार तो कम से कम जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन तो दे दी थी अब की बार वो परमिशन भी नहीं है फुटपाथ पे सो रहे। अरे यार जो बंदा कितनी प्रैक्टिस करके कितने अब देश का गौरव ये लगा लो हमारे भाई और बाण आज के टाइम में फुटपाथ पे सो रहे हैं वहां पे कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। अगर आज इस चीज पे हमने ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर तो ये लगा लो कि एक कुश्ती कुश्ती की बात नहीं है ये हर खेल की बात है हर खेल में ये लगा लो आज के टाइम राजनीति एक मेन वो है कोई भी गेम ले लो उस गेम में ही ये चीज है। कोई ये अपने बता के शो कर रहे हैं कोई अपने बता के शो नहीं कर पाता है क्यों कि जैसे जिसकी धगती है भाई वो अपना धगा ले है और जिसकी ना धगती भाई वो अपने भाई दुखी हो रहे हैं जो गरीब भाई हो रहे हैं। तो भाई ईसा ना हो तो इसके लिए भाई अरे भाई खिलाड़िया तो नहीं भाई मैं खिलाड़िया के घराला तभी कति हाथ जोड़ गया रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ अगर ये भी उड़े हजार हैं तो तुम लाख जाओ कुछ तो सरकार का फर्क पड़ेगा। आज वे हजार की संख्या में उड़े बैठे हैं तो भाई जाओ करो कुछ तो करो भाई कुछ तो ऐसा करो कि सरकार ने उनकी सुननी पड़े। जिन बातों को लेके आज हमारे पहलवान भाई बैठे हैं उन बातों को लेकर फ्यूचर को ना बैठना पड़े इस चीज का ध्यान रखें। तो ये आज अगर हम उनकी थोड़ी ही भी सपोर्ट करते हैं थोड़ा ठीक है या गलत है जो भी है लेकिन सपोर्ट तो करो कम से कम अगर गलत हो अर्थ उड़ा जाए तो नू तो भी अलग है भाई ये गलत है तुमने कहने तो मिलेगा
लेकिन जाओ तो सही सपोर्ट तो करके देखो के बतावे ठीक हो, और वे जो हक की लड़ाई मांग रहे हैं वो जायज ही हो, तो भाई सपोर्ट करो उन्हें जितना हो सके उतना सपोर्ट करो भाई। आज थोड़ा सा सपोर्ट मारा उन्हें बहुत ही अच्छे लेवल तक लेकर जाएगा। और अगर इतने सारे इंटरनेशनल पहलवान और अपने जो बायर बाण बैठी हैं वे गलत नहीं बैठे होंगे, कुछ तो इसी बात है आगे जिस टॉपिक ने लेकर बैठे हैं तो गलत तो शायद होंगे नहीं, छोटे मोटे स्तर तक हम भी खेले हैं भाई। तो खेल कोई भी हो तो भाई उसका ये पता तो सब नहीं रहा है कि अब इसका क्या चला हुआ है क्या नहीं चला हुआ है, तो कम से कम जाकर उस चीज के लिए थोड़ी आवाज उठानी है उन्हें तो अच्छी बात है, और उनकी जाकर मदद करने में हमारा ये लगा लो फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। ये नहीं कि खाली ये कि कुश्ती को जितना आज आप इस मैटर को जितना मिलकर उनसे सोल्व कर लोगे ना तो आने वाले टाइम में भाई मैं बताऊं बहुत ही अच्छा फ्यूचर जाएगा कुश्ती का। अगर ये आज चीज नहीं लटकती रहेगी तो भाई कल ना, जो अगर आज ये अपने पहलवान भाई और बाण दुखी हो रहे हैं कल ना भाई और ने भी होना पड़ेगा, ये तो दिखती सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। अरे भाई हमने तो शर्म इस बात पाओ कि जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने पीएम हैं कोई भी इंटरव्यू वगैरह देखते हैं उनका खिलाड़ियों के साथ इतने अच्छे तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़ कर मिले हैं। जैसे मैंने तो विनेश बाण का देखा था एक इंटरव्यू कि उनसे हाथ जोड़ कर ये कहा है कि आप हमारे देश का भविष्य हैं, ये आपने मेडल ले गया आपने बहुत अच्छा किया, तो भाई आज भी रोमे हैं, उस टाइम तो भी मेडल लेकर आ रही थी खुशी में थी, आज भी रोमे हैं। आज तक कम से कम उनका साथ दे दो आप, उस टाइम पर उस टाइम पर उसने देश से ही मेडल दिया था, तो आप एक बार उनकी जाके सुन तो सको हो, सुन लो एक बार उनकी सुनो गे और तो ये तो पता लग जाएगा कि किस में कमी है किस में क्यों हो है, उसी चीज पे भी एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। उनकी सुनो जाके कोई भी आज तीन पीछे से बैठे थे जंतर मंतर पे तब उनकी कोई वो नहीं हुई थी, अब बैठे हैं कोई भी जाके उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि आप क्या चाहते हो और आप किस मैटर को लेकर क्या हो, मैटर सबको पता है उन्होंने भी, अरे वे तो एज ए प्रूफ बैठे हैं। लेके अगर अब सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं देगी तो हाँ एक बात और भाई, कुछ आप अभी वीडियो वगैरह देखे उसमें कमेंट आवे हैं कि अपने योगेश्वर दत्त भाई जी हैं और जो अपनी बहन बबीता फोगाट जी वो नहीं आ रही, आ नहीं रही, लेकिन हमने उनका इंटरव्यू देखा है वो खुद इस बात को बोल रहे हैं इंटरव्यू में कि जो निर्दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। चलो आज भी सरकार में है उनके पास टाइम नहीं है, जो भी बात है वो उनका वो है, लेकिन कम से कम उनकी अच्छी बात ये है कि इंटरव्यू में उन्होंने कम से कम ये तो बोला कि आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, इतना काम तो सरकार कर ही सकती है, जो आरोपी है उसको सजा तो दे ही सकती है, इतना काम तो सरकार ही कर सकती है। अगर अब इस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे जाके है ना भाई मैं ये बताऊं बहुत ही बड़ा विषय का कारण बनेगा कि कुश्ती का स्तर नीचे ही आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्यों फूट पड़नी शुरू हो जाएगी, एक खिलाड़ी ये सोचेगा कि इसकी उसके साथ है इसकी इसके, ये चीज बढ़ती रहेंगी। अगर इस चीज पे कंट्रोल हो गया तो ये लगा लो कि बहुत ही कुश्ती जगत के लिए अच्छी बात रहेगी ये चीज। भाई ज्यादा कुछ तो मैं कहूंगा नहीं, बस इतना ही कहूंगा कि भाई हमने उनका साथ जरूर देना चाहिए, अगर आज हम उनका साथ देंगे तो कल ने जो भी हमारे छोटे बाण भाई जो भी कुश्ती जगत में होंगे उन्हें इस चीज का बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आप सब तो हाथ जोड़ के भाई एक विनती करूँ हूँ कि भाइया ने खुल के सपोर्ट करो, भाई करो सपोर्ट खुल के, कति जितना सपोर्ट किया जाए उतना सपोर्ट करो भाई, वे गलत नहीं है वे ठीक है, उन्हें सपोर्ट करो।